Good morning, students. Dear students, we have completed the chapter number 6, Town Traders and Craft Persons from History. Now, we are going to start the next chapter from Geography, that is Human Environment, Settlement, Transport and Communication. Okay? This is a very, very interesting topic. And you all are knowing everything related to this topic. Okay, so now you all know the meaning of human, है ना? Human की meaning सभी लोग जान रहे होंगे. Environment means the things which surrounds us from all sides. Okay, that is environment. And settlements means क्या होते हैं? Human जो हाउसेस होते हैं, ह्यूमन जो हाउसेस के फ्लॉक्स होते हैं, झुंड होते हैं, मतलब बहुत सारे जो घर होते हैं या कोई भी एक सिंगल सेटलमेंट भी है तो हम उसको सेटलमेंट बोलते हैं. ठीक है, सेटलमेंट को हम बेसिकली ह्यूमन सेटलमेंट से कंसिडर करते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट. ओके, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट. यू ऑल आर नोइंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, द थिंग्स, द मीन विच इज यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज ट्रांसपोर्ट. एंड कम्युनिकेशन के बहुत सारे मीन्स हैं, लाइक मोबाइल फोन यू आर यूजिंग नाउडेज, नेटवर्क है, आपने पोस्ट जो लेटर सुना होगा, जो पहले लेटर्स भेजे जाते थे, है ना, थ्रू पोस्ट, टीवी, रेडियोज, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ऑल आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स टू कन्वे मैसेज. ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? अपने मैसेज को कन्वे करना, वट एवर यू वॉन्ट टू से टू अनदर पर्सन, और यू वॉन्ट टू हियर, और यू वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम द अदर्स. ओके, तो दैट इज कम्युनिकेशन. सो वी आर गोइंग टू स्टडी द थिंग्स लाइक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट, in chapter 1 you have learned that early human being depended entirely on nature for food, for clothing and for shelter. aapne is chapter 1 mein padha tha ki jo early human beings the they were totally depend on the nature. wo nature pe puri tarah se depend the. kin kin cheezon ke liye? to apne food ke liye. वो देखिए, सबसे आपने पढ़ा होगा जो होमो सेपियंस थे या और जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे वो क्या खाते थे, तो वो सब्जियां, फल, है ना, एनिमल्स को खाना. तो ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं? ये नेचर से मिल रही हैं. तो फूड के लिए वो किस पर डिपेंड थे? नेचर पर डिपेंड थे. नेक्स्ट क्लोथ्स के लिए भी आपने देखा होगा, लोग पेड़ों की छाल, एनिमल्स की जो खाल होती है उनको पहनते थे. तो वो भी कपड़ों के लिए भी टोटली किस पर डिपेंड थे? नेचर्स पर डिपेंड थे. एंड शेल्टर के लिए या तो वो पेड़ों पर रहते थे या फिर जो गुफा होती थी, डॉग्स जो होते थे उनमें रहते थे, है ना. बट विद द टाइम दे लर्न न्यू स्किल, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ उन्होंने नए स्किल्स इनोवेट किए. ठीक है, उन्होंने खोजे, सीखा टू ग्रो फूड. हमने देखा कि जो लास्ट एज में जो ह्यूमन बीइंग्स थे, जैसे होमो सेपियंस हैं, उन्होंने धीरे धीरे करना क्या शुरू कर दिया? उन्होंने खेती करना शुरू की. ठीक है, मतलब उन्होंने फूड को ग्रो करना शुरू कर दिया, उन्होंने खुद से फूड को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. बिल्ड होम, उन्होंने अपने घर बनाए. ठीक है, उन्होंने लकड़ियों से, घास फूस से या अदर मटेरियल जो स्टोन्स वगैरह हैं उनको यूज़ करके उन्होंने अपने घर बनाना शुरू किए. पहले वो घर नहीं बनाते थे, पहले वो पेड़ों पर या गुफाओं में छुप करके रहते थे. ठीक है, एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और धीरे धीरे उन्होंने एक से एक बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को डेवलप कर लिया. एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो, आपने कम्युनिकेशन भी देखा होगा पहले. अच्छा, आप लोग कभी आदिवासियों का ग्रुप आपने देखा होगा टीवी में, है ना, तो उसमें देखा कैसे कम्युनिकेट करते हैं दूसरे को, है ना, थ्रू सिग्नल्स. कुछ ऐसा सिग्नल वो अपने से क्रिएट करते हैं, जैसे सीटी बजाना हो या कुछ और, किसी बर्ड की आवाज़ निकालनी हो, किसी जानवर की आवाज़, एनिमल की आवाज़, साउंड क्रिएट करनी हो, तो उससे वो
कम्युनिकेट करते थे, ठीक है। फिर उन्होंने कम्युनिकेट करने के और तरीके खोजे, जैसे आपने कबूतर के थ्रू वो अपने मैसेजेस को कन्वे करना, या किसी मैसेंजर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस भेजना अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। फिर धीरे धीरे क्या आया, पोस्टमैन, पोस्ट सर्विस आई, डेवलप हुई, है ना। और आज के टाइम में हमारे पास क्या है, मोबाइल फोन्स हैं, हमारे पास टीवी है, हमारे पास मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं हम जिनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव, और इस तरह से धीरे धीरे करके ह्यूमन बीइंग ने अपने उस लिविंग एरिया को जहाँ वो रहते हैं उस एनवायरनमेंट को उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप अपनी हिस्ट्री खुद भी जानते हैं, आप शुरू से पढ़ते जा रहे हैं अर्ली ह्यूमंस के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा, कैसे उन्होंने आग जलाना सीखी, कैसे उन्होंने मतलब अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट किया, जैसे शिकार करते थे वो, गैदरिंग करते थे, तो उसके लिए उन्होंने टूल्स बनाए, डिफरेंट टूल्स बनाए, है ना। फिर आपने पढ़ा था कि वो पहले तो कच्चा खाना खाते थे, फिर जब आग की इन्वेंशन हुई तो उन्होंने खाना को पका कर खाने लगा। तो इस तरह से धीरे धीरे करके क्या किया, ह्यूमन बीइंग ने अपने अंदर अपने एनवायरनमेंट में भी चेंज लाया, ठीक है। और वो एक जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो टाइम और आज का टाइम आप देख रहे होंगे कितना ह्यूमन बीइंग ने अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर दिया, सिर्फ अपने आप को ही नहीं अपने पूरे एनवायरनमेंट को हमने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट इज सेटलमेंट आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम। सेटलमेंट क्या होते हैं, वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट। एंड अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव ऑन ट्रीज एंड इन केव्स, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि दे लिव ऑन द ट्रीज एंड द केव्स, ठीक है। When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. जब उन्होंने crops grow करना शुरू कर दिया, ठीक है, उन्होंने जब खेती करना शुरू कर दी, फसल उगाने शुरू कर दी, तो उनको लगा कि हमें अब एक परमानेंट घर होना चाहिए। मतलब वो जो क्रॉप्स उन्होंने जहाँ पर उगाई हैं उसी के आसपास ही उनका घर होना चाहिए, ताकि वो अपनी जो खेती है, अपनी जो क्रॉप्स उन्होंने ग्रो की हैं वो उसको देख सकें, है ना, उसको जानवरों से बचा सकें। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वहीं पर अपने घर बनाने शुरू कर दिए। तो परमानेंट सेटलमेंट, क्योंकि ये लोग पहले परमानेंट कहीं भी सेटल डाउन नहीं होते थे, इनका कोई परमानेंट घर नहीं होता था, इन्होंने पहले क्या शुरू किया, इन्होंने पहले पेड़ पर रहना, फिर जो केव्स हैं, गुफाएं हैं, उसमें वो रहते थे। लेकिन जब उन्होंने खेती करना शुरू की तो उन्होंने परमानेंट घर बनाना भी शुरू कर दिए। क्यों, क्योंकि उस वो जो क्रॉप उन्होंने ग्रो की, जो खेती उन्होंने की है, उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी टेक केयर करने के लिए उन्होंने वहीं पर पास में अपना घर बनाया, ठीक है। अब क्योंकि उन्होंने उसी एक्टिविटी को, उसी फार्मिंग को, उसी क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग को ही अपना मेन काम मान लिया है, ठीक है, उन्होंने अपना काम माना कि अब हम यही काम करेंगे, तो उन्होंने अपना घर क्या बना लिया, परमानेंट बना लिया, मतलब वो हमेशा के लिए वहीं पर रह गए, बस गए, ठीक है। तो इस तरह से हम परमानेंट सेटलमेंट भी देखते हैं, ओके। अर्ली ह्यूमन बीइंग हो गया, व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स इट बिकम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट होम। द सेटलमेंट ग्रू नियर द रिवर वैली एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल। अब आप देखेंगे ये जो सेटलमेंट्स हैं या जो उन्होंने क्रॉप उगाई वो कहाँ पर उगाई, दे ग्रो क्रॉप्स नियर द रिवर्स, उन्होंने अपने क्रॉप्स कहाँ पर ग्रो किए, रिवर्स के पास ग्रो किए। क्यों ग्रो किए, क्योंकि रिवर से उन खेतों में सिंचाई करने के लिए पानी डालना इजी हो जाता, मतलब रिवर का वाटर डाल करके वो अपने क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प मिल जाती, इसीलिए उन्होंने अपने जो सेटलमेंट हैं, जो अपने घर हैं या जो अपने फील्ड्स थे, जो खेत थे, उन्होंने कहाँ पर बनाए थे, नियर द रिवर बैंक्स। द सेटलमेंट्स ग्रू नियर द रिवर वैली एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल। The early human set up their settlement, set up their home near the river banks. Why they settled near river banks? Because the land was fertile,
रिवर के आसपास की ज़मीन फर्टाइल होती है, सो वहाँ क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग क्या होगा, अच्छा होगा। एंड वाटर इज अवेलेबल उनके पीने के लिए भी, मतलब डोमेस्टिक यूज के लिए भी, एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑल्सो वाटर वॉज ईजिली अवेलेबल। वहाँ पर वाटर क्या हो जाएगा, ईजिली अवेलेबल होगा। सो लोगों ने कहाँ पर जाकर इसके सेटल होना शुरू कर दिया, नियर द रिवर बैंक्स। एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड धीरे धीरे करके क्या हुआ, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होते गए और ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में भी डेवलपमेंट होता गया। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकेम लार्जर, धीरे धीरे करके ह्यूमन सेटलमेंट्स बड़े होते चले गए। एंड सेटलमेंट्स फ्लॉरिश एंड सिविलाइजेशन डेवलप, धीरे धीरे सेटलमेंट क्या हो गए, फ्लॉरिश होने लगे, और ज़्यादा अच्छे होने लगे। एंड वहाँ पर सिविलाइजेशंस डेवलप हो गए। सिविलाइजेशन मतलब क्या है, सभ्यता। जब कहीं पर भी ह्यूमन सेटलमेंट होता है, इस्टेब्लिश होता है, और वहाँ एक तरह का कल्चरल डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, कल्चरल डेवलपमेंट लाइक वहाँ क्या पहनना है, क्या खाते हैं, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वहाँ पर, इन सभी चीज़ों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन। ठीक है, मतलब उस एरिया का पूरा पूरा डेवलपमेंट, उसको हम सिविलाइजेशन कहेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, जब ह्यूमन सेटलमेंट कहीं पर भी डेवलप होने लगता है, फ्लॉरिश होने लगता है, तो वहाँ कोई ना कोई सिविलाइजेशन भी इस्टेब्लिश हो जाती है, डेवलप हो जाती है। नियर द रिवर वैलीज, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के नाम सुने होंगे, है ना। तो ये सिविलाइजेशन क्या है, ये भी वही चीज़ें हैं जैसे पहले अर्ली ह्यूमंस ने क्या किया, रिवर्स के किनारे अपने घर बनाने शुरू कर दिए, उन्होंने फार्मिंग करना या कह सकते कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी शुरू कर दी। वहाँ पे धीरे धीरे करके क्या हो गया, सेटलमेंट्स बढ़ने लग गए, है ना, बहुत सारे लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए, फिर वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया और आगे चल के वो एक सिविलाइज्ड एरिया बन गया। ठीक है, तो दैट इज सिविलाइजेशन। डू यू रिकॉल द नेम ऑफ सिविलाइजेशन, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, दैट ग्रू अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, टिग्रिस, नाइल एंड क्वांग हे। ठीक है, अभी मैंने आपको दो सिविलाइजेशन के एग्जाम्पल दे दिए, एंड टू आर योर होमवर्क, दो आपके होमवर्क हैं। ठीक है, एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडस रिवर बैंक पे इस्टेब्लिश हुई, है ना, डेवलप हुई। सेकेंड, टिग्रिस रिवर के बीच में, टिग्रिस रिवर यानी कि टर्की एंड इराक के बीच में जो रिवर है टिग्रिस रिवर, वहाँ पर कौन सी सिविलाइजेशन डेवलप हुई, सो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वहाँ पर डेवलप हुई। ठीक है, एंड नाइल रिवर एंड क्वांग हे रिवर में कौन सी सिविलाइजेशन डेवलप हुई, ये आपको सर्च करना है, दिस इज योर होमवर्क। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्पररी। ठीक है, सेटलमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो परमानेंट और एक टेम्पररी, आपने दोनों ही सेटलमेंट्स देखे होंगे। परमानेंट सेटलमेंट्स वो होते हैं जो हम हमेशा के लिए सेटल डाउन कर लेते हैं, जैसे हमने कहीं पर प्रॉपर ज़मीन ले ली अपनी और वहाँ घर कंस्ट्रक्ट करवा के हमेशा के लिए वहाँ पर सेटल डाउन हो गए, तो वो एक तरह का परमानेंट सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक सेटलमेंट होता है जो लोग टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, लाइक बंजारास, लाइक नोमैड्स। ठीक है, जो नोमैड्स पीपल होते हैं, जो बंजारास होते हैं, वो किसी भी प्लेस पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सीजन अपना लिविंग प्लेस चेंज करते रहते हैं, वो अपना सेटलमेंट चेंज करते रहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा उनके पास कैटल्स होती हैं, उनका अलग तरह का जो ट्रेडिंग वर्क होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो कुछ ऐसी चीज़ें छोटी मोटी क्राफ्ट की चीज़ें बना करके वो मार्केट में सेल करके अपनी लिवलीहुड चलाते हैं, है ना। तो वो लोग सीजन के अकॉर्डिंग जहाँ पर उनके लिए सूटेबल क्लाइमेट होता है, सीजन होता है, वो वहाँ पर रहते हैं, और फिर आफ्टर फिनिशिंग और आफ्टर चेंजिंग द क्लाइमेट दे शिफ्ट टू द अनदर प्लेस, वो अलग प्लेस पर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम, कोई भी सेटलमेंट जो बहुत छोटे टाइम के लिए मतलब ऑक्यूपाइड किया जाता है, बनाया जाता है, दैट इज टेम्पररी सेटलमेंट। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया नोमैड्स एंड बंजारास। ठीक है, द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, बहुत सारे लोग हैं जो डीप फॉरेस्ट में भी रहते हैं, घने जंगलों में रहते हैं, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट, कुछ लोग हॉट डेजर्ट में, हॉट एरियाज में रहते हैं, कुछ कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं, कोल्ड एरियाज में रहते हैं, कुछ माउंटेन्स में रहते हैं,
कहते हैं ऑफन ड्वेल्स इन सच टेम्पररी सेटलमेंट्स, मोस्टली इन्हीं जगहों पर टेम्पररी सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। दे प्रैक्टिस हंटिंग गैदरिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड ट्रांस ह्यूमन्स। अब ये लोग क्या करते हैं, जो टेम्पररी सेटलमेंट जिनका होता है या जिन लोगों का होता है वो किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो हंटिंग करते हैं, शिकार करना, गैदरिंग चीज़ें इकट्ठा करना, शिफ्टिंग कल्टिवेशन मतलब अगर वो किसी टाइम पर वो 6 महीने के लिए रह रहे हैं, किसी प्लेस पर वो 6 मंथ के लिए हैं या 4 मंथ्स के लिए हैं, तो उस एरिया को क्लीन करके वहाँ पर वो कल्टिवेशन करेंगे और जब क्रॉप्स तैयार हो जाएंगी उनको काट करके मार्केट में सेल करके फिर वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन टाइप का काम करते हैं। एंड ट्रांसह्यूमन्स मतलब सीजनल माइग्रेशन, ठीक है, वो सीजनली क्या करते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट टुडे आर परमानेंट सेटल्ड, लेकिन फिर भी आज के टाइम में प्रेजेंट टाइम में मोस्टली जो सेटलमेंट्स हैं दे आर परमानेंट, क्या है, दे आर परमानेंट। इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम टू लीव इन, इसमें क्या करते हैं परमानेंट सेटल में लोग अपने घर बनाते हैं और उसमें रहते हैं, ठीक है, मतलब प्रॉपर घर बनाते हैं, परमानेंट घर बनाते हैं और वो वहाँ पर हमेशा के लिए रहते हैं। यस, इट इज मेरी बर्थडे, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ स्टोरी एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक थ्रू अ स्टोरी, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी, ये मैरी की बर्थडे पार्टी है एंड शी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट द केक एंड मैरी वेटिंग, मैरी भी वेट कर रही है, मैरी की जो बाकी फ्रेंड है दे ऑल आर वेटिंग फॉर द गुरप्रीत टू अराइव, कि वो आएगा तभी मैरी केक को कट करेगी। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड टायर्ड, ठीक है, गुरप्रीत आता है थका हुआ आता है, कफिंग एंड बिजी, ठीक है, थका हुआ सा कफ है उसको, मतलब कोल्ड है, सर्दी हुई है एंड बिजी, बिजी मतलब आपने देखा होगा जैसे सांस लेते टाइम जो आवाज़ आती है, अक्सर आपको जब जुकाम होती है तो सांस लेते टाइम आवाज़ आती है ना, तो उस तरह का उसका हेल्थ है भी। एंड शी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जैम वॉज टेरिबल, गुरप्रीत इज एक्सप्लेनिंग द ट्रैवल ऑफ हर ट्रैवल एंड शी इज सेइंग कि ट्रैफिक जैम वॉज टेरिबल, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत टेरिबल ट्रैफिक था। मैरीज मदर मिसेस थॉमस पैटेड गुरप्रीत, मैरी की जो मदर हैं उन्होंने गुरप्रीत को पकड़ा, ठीक है, पैटेड मीन्स जेंटली, बहुत प्यार से उसको पकड़ा, बैक एंड साइड, ठीक है, उसको खींचा और देखा, उफ द पोल्यूशन इन आवर सिटी, ठीक है, उन्होंने कहा उफ क्या पोल्यूशन हमारे शहर में। प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज, ठीक है, देयर इज अ पर्सन प्रसाद एंड ही केम बैक फ्रॉम हिज विलेज, ठीक है, प्रसाद जो है अपने गांव से तुरंत वापस आया है। ही आस्क्ड व्हाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जैम्स, वो पूछता है कि हमारे यहाँ पर ऐसे जैम्स क्यों लगते हैं, इतना ट्रैफिक जैम क्यों लगते हैं एंड सच पोल्यूशन, और इतना पोल्यूशन क्यों है इन द सिटीज, ठीक है, कहाँ है, शहरों में है, गाँव में इतना पोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, आपको गांव में ट्रैफिक भी कम मिलेगी, लेकिन इन सिटीज यू विल गॉट द ट्रैफिक एंड पॉल्यूशन बोथ, ठीक है। सो नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, सभी आप देख रहे होंगे हर दिन कोई ना कोई मोटर बाइक और कार कुछ ना कुछ परचेज करता है, कोई ना कोई व्हीकल्स परचेज करते रहते हैं, इसी वजह से रोड पर आपको इतनी ज़्यादा मोटर व्हीकल्स देखने को मिलती हैं एंड ट्रैफिक देखने को मिलता है। सो ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज, ये क्यों हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, और पहले क्या होता था कि घर में अगर एक गाड़ी है दैट इज इनफ फॉर ऑल, है ना, सभी के लिए इनफ होती थी, बट नाउडेज एवरीवन शुड हैव वन मोटरसाइकिल और वन कार, है ना, आज के टाइम में क्या हो गया, सभी को गाड़ी चाहिए, घर में अगर 4 लोग हैं जॉब करने वाले, 4 को अपने अपने व्हीकल्स चाहिए,
ठीक है, कोई ये नहीं करेगा कि हाँ थोड़ा जल्दी निकले और एक दूसरे को ड्रॉप करते हुए निकल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है आज की बिजी लाइफ में। सो एवरीबॉडी इज परचेजिंग न्यू मोटर व्हीकल्स। सो मिस्टर थॉमस रिप्लाइड, मैरीज फादर, मैरी के फादर मिस्टर थॉमस रिप्लाई करते हैं, मैरी आस्क देन व्हाई आर पीपल कमिंग टू द सिटी। मैरी ने पूछा कि क्यों लोग शहरों में आते हैं, ठीक है, उनका घर अगर गांव में है तो व्हाई दे केम टू द सिटीज, शहरों में क्यों आ जाते हैं, ठीक है। हर मदर रिप्लाई, उसकी मदर ने रिप्लाई किया, दे कम लुकिंग फॉर जॉब फॉर बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज। आप देखते होंगे अभी गांव में कोई बीमार पड़ता है तो सीधे कहाँ भाग के आते हैं, शहरों में आते हैं, क्योंकि शहरों में बेटर मेडिकल फैसिलिटीज हैं, बेटर हॉस्पिटल्स हैं, है ना। एंड और किसके आते हैं लोग शहरों में, जॉब के लिए, इन सर्चिंग ऑफ जॉब, ठीक है, गांव के लोग, क्योंकि गांव में फार्मिंग या शॉप खोलने के अलावा, डेयरी फार्म खोलने के अलावा बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं जॉब को लेकर के। अगर आपने गांव में रह कर के पढ़ाई कर ली तो आप ये काम तो नहीं करना चाहेंगे, है ना। तो बेटर जॉब के लिए क्या करते हैं लोग, शहरों में आते हैं क्योंकि शहरों में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सो बेटर एजुकेशन ऑल्सो, गाँव में क्योंकि स्कूल्स नहीं होते हैं, वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं। सो दीज आर द कॉसेस ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज माइग्रेशन, ठीक है। तो माइग्रेशन के कॉसेस क्या है, जॉब, बेटर एजुकेशन, बेटर फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। मैरीज फर्दर इंक्वायर्ड, मैरी ने फिर आगे भी पूछा, इफ सो मेनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज, अगर ऐसे ही बहुत सारे लोग शहर आते रहे, वेयर विल ऑल द पीपल लीव, तो सारे लोग रहेंगे कहाँ, अगर सारे लोग शहर में ही भर जाएंगे, शहर में ही आ जाएंगे, सब लोग रहेंगे कहाँ, ठीक है। मैरीज आस्किंग टू हिज मदर फादर, सो मिस्टर थॉमस रिप्लाई, मिस्टर थॉमस यानी कि मैरी के फादर रिप्लाई करते हैं, दैट is why you see so many slums and squattered settlements. इसीलिए आप क्या देख रहे हो, यानी कि मैरी को क्या बता रहे हैं, इसीलिए हमें इतने सारे slums दिखते हैं, slums मतलब गंदी बस्तियाँ, ठीक है, जो dirty settlements होते हैं। तो आपको पता है ना एशिया का largest slum area क्या है, कौन सा है, you will search it, this is your second homework, okay? एशिया का लार्जेस्ट स्लम एरिया बहुत फेमस है, मैं एग्जांपल भी दे देती हूँ आपको, मुंबई में है, ओके, चलो हिंट दे दिया मैंने आपको, मुंबई में है, लेकिन उसका नाम क्या है, वो कहाँ पे, वो ढूंढना आपका काम है, ओके, दिस इज योर होमवर्क। सो हम क्या देखते हैं कि इतने ज़्यादा घने, मतलब एकदम बसे हुए जो है पूरे सेटलमेंट देखने को मिलते हैं, बिल्कुल कहीं जगह नहीं है रहने के लिए, और स्लम एरिया, स्लम एरिया मतलब गंदी बस्तियाँ, ठीक है, मतलब लोग ऐसे बसे हुए हैं और क्लीनलीनेस का नाम और निशान नहीं है, ठीक है, वहाँ पानी अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, किसी तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो पूरी गंदगी होती है वहाँ पर। वेयर पीपल स्टे इन कंजस्टेड एंड अनहाइजीनिक कंडीशन, जहाँ पर लोग बहुत ही कंजस्टेड एरिया में, बहुत ही छोटे छोटे कमरों में, बिल्कुल ऐसे घर चिपके हुए हैं कि गलियाँ भी नहीं चलने के, प्रॉपर स्पेस भी नहीं है, तो कंजस्टेड घरों में रह रहे हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन में, मतलब उसमें सफाई बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल हाइजीन नहीं है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में लोग रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, बिकॉज दे आर फोर्स्ड, ठीक है, वो मजबूर हैं, क्यों मजबूर हैं, क्योंकि गांव में उनको काम करने के लिए नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो ये सारी फैसिलिटीज लेने के लिए ये लोग क्या करते हैं, शहरों में आ तो जाते हैं, बट उनको वो लाइफ, जो नॉर्मल लाइफ होती है वो उनको मिल नहीं पाती है, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम इन द सिटीज, देखिए सिटीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, ओवर क्राउडनेस की वजह से, ज़्यादा भीड़ हो जाने की वजह से ही शहरों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। कैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, या मेनली हम कहेंगे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं मिल पाती है हर जगह पर, इसीलिए वहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टॉप दिस टॉपिक हियर फॉर टुडे, एंड वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास।
एंड डू योर होमवर्क. थैंक यू.